కరోనా సంక్షోభం చైనాతో సరిహద్దు వివాదం వంటి అంశాల్లో మోదీ నేతృత్వంలోని భారత్ తప్పక విజయం సాధిస్తుందని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా అన్నారు చైనాతో వివాదం అంశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఖరిపై విరుచుకుపడ్డారు దేశం విపత్కర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న ఈ తరుణంలో కాంగ్రెస్ కుటిల రాజకీయాలకు పాల్పడుతోందని విమర్శించారు రాహుల్ గాంధీ పెట్టే హ్యాష్ ట్యాగులు చైనా పాకిస్తాన్కు సంతోషం కలిగిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు అత్యవసర పరిస్థితి రోజుల్లో కాంగ్రెస్ ఆకృత్యాలను పాల్పడిందని వ్యాఖ్యానించిన అమిత్ షా ఇందిరాగాంధీ తరువాత కాంగ్రెస్ పీఠాన్ని गांधी कुटुंब का बैठवार अधिरोहिंचारो चप्पालन्नारु भारत एक किस्म से दो जंग लड़ रहा है एक तरफ कोविड तो दूसरी तरफ चाइना की फौज लद्दाख में हमें तंग कर रही है घुसने की कोशिश कर रही है मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व तो में दोनों जंग जीतेंगे दिल्ली के बारे में आप कह रहे थे तो मैं दिल्ली से ही सवाल करती हूं कि दिल्ली को दिल्ली की तुलना जो है वो वुहान से की जा रही है कि बेड नहीं है टेस्टिंग नहीं है और जनता में एक रोष भी है घबराहट भी है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो मना कर रहे हैं कुछ लोगों को लेने के लिए और अगर अंदर ले भी रहे हैं तो उनकी फीस बहुत ज़्यादा है तो इसके इसको निपटने के लिए क्या किया जा रहा है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में साढ़े पांच लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे न जगह बचेगी न बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी और आज मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि साढ़े पांच लाख वाली स्थिति इकतीस जुलाई तक नहीं आएगी दिल्ली सरकार ने हमें कहा था कि भाई एम्बुलेंस बढ़ानी है ऑक्सीजन सिलेंडर बना रहे हैं वेंटिलेटर बना रहे हैं हमने 500 सौ ऑक्सीजन सिलेंडर इमीजिएटली दे दिए दस हज़ार के करीब ऑक्सीनोमीटर दे दी दे दिए 440 वेंटिलेटर दे दिए हैं आपने हाल ही में ट्वीट किया था एमरजेंसी को लेकर जब आपने कहा था कि बोलने के लिए फ्रीडम नहीं है कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग कहते हैं तो क्या बीजेपी में है बीजेपी में भी लोग बोल नहीं सकते हैं तो क्या आपकी पार्टी में भी डेमोक्रेसी है अडवाणी जी के बाद श्री राजनाथ जी बाद में श्री नितिन जी बाद में फिर राजनाथ जी मैं बना अब नड्डा जी बने कोई परिवार का आदमी है क्या इंदिरा जी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष बता दीजिए दो गांधी परिवार के बाहर क्या डेमोक्रेसी की बात करें और मैंने कोविड के समय कोई राजनीति नहीं करी राहुल गांधी जो है वो उन्होंने शुरू से ही कहा कि या तो ना तो ना श्रमिक के मामले में ना फिर अब कोविड से आ, जो मुकाबला हो रहा है इसमें मोदी सरकार जो है बिल्कुल ही नाकाम रही है उन्होंने तो सरेंडर का लफ्ज इस्तेमाल किया है आपकी सरकार के खिलाफ की जीत नहीं सकती आपकी सरकार समय मगर दुख तब जो होता है इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं तब दुख होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है मेरे लिए नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है और ऐसे संकट के समय में पार्लियामेंट हो जानी होनी है चर्चा करनी है तो आइए करेंगे सिक्सटी टू से लेकर आज तक दो दो हाथ हो जाए कोई नहीं डरता चर्चा थे मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए